हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर कल खत्म हो जाएगा बेटा, कंट्रोलिंग, ठीक है जी। परसों केस स्टडी शुरू करेंगे और बेटा फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन, और इसको इस वीक पैक करने का टारगेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक बेटा मंडे से डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक बड़ा चैप्टर। 6 चैप्टर हो गए हैं, अब एक बड़े चैप्टर का नंबर है, ठीक है जी। बाबू, कंट्रोलिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग के 2 स्टेप डिस्कस कर दिए थे, लिखूंगा नहीं, बस फटाफट से रिवाइज करा दूंगा। बेटा याद है फर्स्ट स्टेप, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और थर्ड स्टेप था कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। बेटा बड़े सिंपल सी बात है, ये स्टैंडर्ड कोई कंट्रोलिंग स्टेज पे सेट नहीं होते, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड वही है जो प्लानिंग स्टेज पर सेट होते हैं। पर बेटा क्योंकि थर्ड स्टेप में मुझे इस एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड को, तो बेटा हम बता देते हैं कि स्टैंडर्ड थे कभी, ठीक है ना जी। बाबू, स्टैंडर्ड ही वो क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाला हूं। अगर स्टैंडर्ड नहीं तो बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस का भी क्या करोगे, ये देखने के लिए कि कंट्रोलिंग सही चल भी रही है कि नहीं, वेदर वी आर प्रोसीडिंग इन द राइट वे और नॉट, स्टैंडर्ड्स मस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड ही बेटा एक्ट एज अ लाइट हाउस दैट वॉर्न एंड गाइड द शिप एट सी, ठीक है ना, याद आई बेटा बात। बहु देन बेटा हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं सैंपल चेकिंग और पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दो टेक्निक है, याद है। सैंपल चेकिंग की बात करी थी, ठीक है ना, याद है। वो वेस्टेज की बात करी थी बेटा, एक एक यूनिट इंस्पेक्टर उठाकर देख नहीं सकता कि ठीक बनी है कि नहीं, वो सैंपलिंग लगाता है, ठीक है ना। सैंपलिंग एग्जांपल मैंने आपको एक बार ऑडिट की फील्ड में भी बताने की कोशिश करी। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना बेटा। बाबू एक एक यूनिट ऐसे काउंट करने लगोगे ना कि कितनी यूनिट बन गई, सर मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में चेक, एक एक यूनिट ऐसे गिने। तो बाबू उसके लिए भी हम एक टेक्निक यूज करते हैं नोन एज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। चलो जी, अब थर्ड स्टेप से आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू थर्ड स्टेप इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। बेटा कंपेयर कर लो अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने का सिर्फ एक पर्पस है बेटा, वो पर्पस है टू रिवील द डेविएशन। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं हम बेटा, कंपैरिजन का सिर्फ एक पर्पस है डेविएशन कैलकुलेट करना, ठीक है ना जी। ऑल दो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से भी हो सकता है, डेविएशन इज अ नेगेटिव वर्ड, पर बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से न्यूट्रल वर्ड है। ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला डेविएशन 3 तरीके का होता है, वन इज जीरो डेविएशन, अदर वन इज पॉजिटिव डेविएशन, एंड थर्ड वन इज नेगेटिव डेविएशन। बेटा जीरो डेविएशन कब होगा, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड। 12 लाख यूनिट का टारगेट था, 12 लाख यूनिट ही बन गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज स्टैंडर्ड, जीरो डेविएशन। बेटा पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। भैया टारगेट था 12 लाख यूनिट का, बना दिया आपने 13 लाख यूनिट, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस, पर एनसीईआरटी लिखती है तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। एंड अदर वन इज नेगेटिव डेविएशन, ये कब होगा बेटा, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड था 12 लाख यूनिट, बनी 11.5 लाख यूनिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आई इतनी बात जितनी मैंने बोली, पक्का से। वो मैंने क्या बोला, कंपैरिजन का क्या पर्पस है, कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन का सिर्फ एक पर्पस है टू रिवील द डेविएशन। डेविएशन कितने तरीके का हो सकता है, 3 तरीके का, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तक क्लियर है सारी बात, काम की बात। बाबू ये बात कल लिमिटेशन में भी आएगी, हो सकता है बेटा आज ही लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए तो आज ही आ जाए। बेटा कंपैरिजन बहुत आसान होगा इफ स्टैंडर्ड्स आर सेट अप इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में सेट हुए होंगे तो कंपैरिजन हद से ज्यादा आसान होगा। लेकिन बेटा अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड हो ही ना क्वांटिटी में सेट, तो बेटा ऐसी जगह पर कंट्रोलिंग फेल हो जाती है। ये लिमिटेशन भी है, मैं यहां पर भी समझा रहा हूं इसको। मैंने क्या बोला बेटा, कंपैरिजन बहुत आसान होता है अगर सब चीजें स्टैंडर्ड्स सब कुछ बेटा क्वांटिटी में सेट है। अब देखो ना, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था अगर 12 लाख यूनिट, मैंने बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी वो आई 11.5 लाख यूनिट, कितना
कितना आसान है बेटा, कंपेयर करो और कमी ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, मैं बेटा एक फील्ड का नाम लेता हूं जहां बेटा क्वांटिटी में स्टैंडर्ड सेट ही नहीं हो सकता। मान लो बेटा आप टॉप मैनेजमेंट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के और आप देखते हो आपके एम्प्लॉइज ना हमेशा डिप्रेस रहते हैं, हमेशा डिप्रेस। मैं कहता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ बेटा, एम्प्लॉई का मोरल नहीं होता वैसा, ठीक है ना। एम्प्लॉई जिसको 9 लाख मिल रहा है उसे लगता है 10 मिलने चाहिए, जिसको 10 मिल रहा है उसे लगता है 15 मिलने चाहिए, जो 15 पे काम कर रहा है वो 20 की लालच है उसे, जो 20 पे उसे 25 का लालच है। वो देखते हैं टॉप मैनेजमेंट बड़ा परेशान है, कहता है यार मेरे एम्प्लॉई बड़े डिप्रेस रहते हैं, इस बार ना मैंने अपने लिए एक एम लिया है, अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि मुझे एम्प्लॉई का मोरल बढ़ाना है। ठीक है जी, आपने बेटा ये तो सोच लिया एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाना है, पर बेटा एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाना ये बेटा क्वांटिटी में सेट हो सकता है ऑब्जेक्टिव? इट इज अ क्वालिटेटिव टर्म, कभी हो सकता है क्या स्टैंडर्ड सेट क्वांटिटी में? कितना एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाओगे? 2 किलो 500 मिलीलीटर? सर हो ही नहीं सकता ना। या आपने दिमाग में आया, आपने एक और चीज सोची, एक और एरिया सोचा, जॉब सेटिस्फेक्शन। मैं चाहता हूं हर एम्प्लॉई अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो, बेटा क्वांटिटी में सेट कर सकते हो? नहीं। तो बेटा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आपके स्टैंडर्ड कभी क्वांटिटी में सेट नहीं होंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में सेट नहीं होंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस कभी क्वांटिटी में नहीं आएगी, कंपेरिजन हो पाएगा? नो कंपेरिजन। तो बेटा ऐसी जगह पर कंट्रोलिंग फेल हो जाती है, ध्यान रखना, ये कंट्रोलिंग की बिगेस्ट लिमिटेशन है। कंट्रोलिंग तभी काम कर सकती है अगर ये सब क्वांटिटेटिव टर्म में है, तो स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव टर्म में है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिव टर्म में, तो बेटा बात करो कंट्रोलिंग की, वरना कंट्रोलिंग फेल है। समझ में आई बेटा? मैंने 3 बातें बोली हैं, कंपैरिजन वाली बात है। कंपैरिजन का पर्पस टू रिवील द डेविएशन। कितने तरीके के डेविएशन है? 3 तरीके के। कंपैरिजन आसान है अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव टर्म है, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं है भूल जाओ, कंट्रोलिंग कुछ नहीं काम करेगी, 0। ओके, आगे बढ़ाएं बात को बेटा। 4th स्टेप इज एनालाइजिंग डेविएशन। बेटा सबसे काम का स्टेप है, अगर कभी कंट्रोलिंग प्रोसेस पेपर में नहीं आया तो तैयार रहना, ये पक्का पेपर में आएगा, ठीक है जी। ये स्टेप ही बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। ये स्टेप कहता क्या है? ये स्टेप कहता है बेटा डेविएशन को एनालाइज करने की कोशिश करो, डेविएशन को ढूंढने की कोशिश करो, कारण ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है जी बाबू। एक बड़ी सिंपल सी बात है, कल मैंने आपको जरूर एक स्टैंडर्ड दिया कि स्टैंडर्ड है हमारा 12 लाख यूनिट बनाकर बेचनी है, लेकिन बेटा मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल्स की टर्म्स में बेटा स्टैंडर्ड सेट नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन बेटा 15-15, 17-17 चीजों में एक साथ स्टैंडर्ड सेट करती है और कोशिश करती है पूरे साल भर में 15-17 सब अचीव हो जाए, सब कुछ सोचती है ऑर्गेनाइजेशन। बेटा देखो डेविएशन हर फील्ड में आ सकते हैं, कमी हर फील्ड में आ सकती है, कोई बुराई नहीं है कमी आने में, लेकिन बेटा जो कमियां सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, उनका करेक्शन बेटा थोड़ा अर्जेंटली होना चाहिए, जबकि नॉन सिग्निफिकेंट नॉन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को अगर आप करेक्ट ना भी करो या थोड़ा लेट से करेक्ट करो तो बेटा तब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत नहीं होती। समझ में आ रही है ना बेटा? मैंने 17 फील्ड में ऑब्जेक्टिव लिए, 17 के 17 फील्ड में मान लो डेविएशन आ गया, बेटा उन 17 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना उनका करेक्टिव एक्शन अभी चाहिए, और जो बेटा इनसिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है आपको, जो नॉन कोर है बेटा, उनका करेक्शन अगर आप थोड़े टाइम के बाद भी करोगे तो चलेगा, और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो बाबू डेविएशन को एनालाइज करने की ना 2 टेक्निक है, ठीक है जी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आराम से समझना बाबू। पहली टेक्निक का नाम है CPC, जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एंड सेकेंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है जी बाबू। मैं दोनों टेक्निक बहुत आराम से समझाने वाला हूँ, सबसे ज्यादा टाइम लगाऊंगा इस पे, पर बेटा बच्चों के हालात बता देता हूँ, दोनों समझ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हरकत मत कर देना, ठीक है जी। बहुत आराम से सुन लेना, समझ लेना, ये मत कह देना दोनों में डिफरेंस क्या है सब कुछ करने के बाद। बाबू अब आराम से सुनना, कुछ टैग लाइन है इसकी, कुछ टैग लाइन है इसकी, और ये अगर पेपर में लिखोगे मुझे नहीं लगता टीचर इसके बाद कुछ पढ़ना चाहता है, उसको वो लाइन दिखनी चाहिए बस भैया।
बाबू सीपीसी की एक टैग लाइन है, सिंस इट इज नीदर इजी नॉर इकोनॉमिकल टू चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, द कंट्रोल शुड फोकस ओनली ऑन द केआरएस। बेटा कहता है ना तो आसान होगा ना ही बेटा सस्ता पड़ेगा हर एक्टिविटी को चेक करना, द कंट्रोल शुड फोकस ओनली ऑन द केआरएस। कहता है आपका फोकस सिर्फ केआरएस होने चाहिए। बेटा ये के आर एस क्या वाला है? बेटा के आर एस का मतलब होता है की रिजल्ट एरियास, की रिजल्ट एरियास। बेटा अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूं तो बेटा बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होंगी जो निकल जाएंगी के आर ए, और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो निकल जाएंगी नॉन के आर एस, बहुत सारी ऐसी होंगी जो के आर ए होंगी, जो इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है। नाम समझ आ रहा की रिजल्ट एरिया, की रिजल्ट एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, और बेटा बहुत सारी ऐसी होंगी जो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। बाबू ये पता है क्या कहेगा? ये कहेगा अगर आपका डेविएशन के आर ए में है तो इसको हम अभी कंट्रोल करेंगे। अभी कंट्रोल करने का मतलब है कौन कंट्रोल करेगा? टॉप लेवल करेगा, अभी करेगा, क्योंकि बेटा इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट दिस पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। अगर यहां कुछ भी गड़बड़ हुई ना बेटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रोना पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन ये पता क्या कहेगा, नोट्स भी ऐसा कहते हैं, एनसीईआरटी भी ऐसा कहती है कि नॉन केआरए को कंट्रोल नहीं करना है, छोड़ दो कोई नहीं करेगा कंट्रोल, ऐसा कहेंगे वो। पर बेटा जब भी मैं भी बोलू ना कि इसको कंट्रोल नहीं करना, आपके दिमाग में एक आवाज जानी चाहिए कि इसको कंट्रोल कौन करेगा? मिडल लेवल और लोअर लेवल से इसको कंट्रोल कराएंगे। बेटा टॉप लेवल से तो इसको कंट्रोल ही नहीं कराना, कंट्रोल किससे कराएंगे? मिडल लेवल और लोअर लेवल से कराएंगे। वो क्यों कराएंगे और क्या इसकी जरूरत पड़ रही है अभी समझाता हूं बेटा, टेंशन ना लो। मान लो बेटा मैं ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों को, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके खर्चों को ना इन दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं, केआरएस और नॉन केआरएस। खर्चों को डिवाइड करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के खर्चों को। बाबू वो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप सोचो उसके इंपॉर्टेंट खर्चे क्या होंगे, सबसे महंगे वाले खर्चे बताओ। बाबू खर्चे बता दो सबसे महंगे वाले खर्चे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। रॉ मटेरियल सबसे महंगा खर्चा, सबसे महंगे खर्चों में एक होगा रॉ मटेरियल और वेजेस, अभी मेरे को बताया शिविका ने, और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और इलेक्ट्रिसिटी, भैया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मशीन चलेगी किस पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर खर्चा है। बेटा अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इजिली अवेलेबल तो बेटा पेट्रोल डीजल, ठीक है, मुझे लगता है ये इसके मेजर खर्चे होंगे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, सबसे महंगे खर्चे यही होंगे, ठीक है ना जी। और बेटा मैं बोलूं नॉन मैन्युफैक्चर सॉरी नॉन के आर एस क्या होंगे, इनके अलावा बचे हुए सारे खर्चे नॉन के आर एस होंगे। मैं कहूं प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिटिंग फीस, ट्रेवलिंग कन्वेंस ब्ला ब्ला जो बचे सब डाल दो इसके अंदर, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, ठीक है ना जी। बाबू ह्यूमन टेंडेंसी है ये, ठीक है ना, अगर मैं कहूं कोई खर्चा 18% बढ़ गया और कोई खर्चा 7% बढ़ गया, ह्यूमन पता क्या कहता है, 18% वाले को बचा लो। बेटा ऐसा नहीं देखना, पहले ये देखो वो खर्चा कहां फॉल करता है, के आर ए या नॉन के आर ए। बेटा एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एन इंक्रीज इन 7% लेबर कॉस्ट इज मोर ट्रबलसम देन एन 18% इंक्रीज इन द स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। 7% लेबर कॉस्ट बढ़ जाए वो ज्यादा दर्द देगी जितना 18% स्टेशनरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो दर्द नहीं देगा। क्यों बेटा? एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैं कहता हूं अगर ठीक ठाक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का नाम ले लो, कल भी मैं बात कर रहा था आईटीसी की, आपको पता है वेजेस कितनी होंगी? होंगी बेटा कुछ समझ लो 300-400 करोड़ रुपए की सैलरी देते होंगे। एक साल में 7% बढ़ जाए बेटा, 400 करोड़ की कोई चीज है, 7% बढ़ गई 28 करोड़। प्रिंटिंग का खर्चा कितना होगा आपका, कितनी स्टेशनरी खरीद लेते होगे, 1 करोड़ की चलो खरीद ली, 18% बढ़ गई, कितना बढ़ गया 18 लाख, ये दर्द देगा आपको? नहीं भैया, प्रिंट आउट ही बहुत होते हैं स्टेशनरी में, पेपर पेन बहुत आते हैं भैया ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा भैया कार्ट्रेज स्टेशनरी का ही पार्ट होती है, जब भी इंक रिफिलिंग होगी
क्योंकि आप देखो ना उसके ऑफिस कितने हैं, कितने कैबिन हैं, कितने मैनेजर हैं, सबके सब कुछ सारा सामान जा रहा है, हर ऑफिस के लिए आएगा ना वो 1 करोड़ तो खैर फिर भी नहीं बैठने का, पर मैं वैसे कह रहा हूं 1 करोड़ भी हो और 18% भी बढ़ जाए तो भी क्या परेशानी है, समझ में आ रही है बेटा बात? तो बाबू अगर खर्चा के आ रहा है चाहे वो परसेंटेज में 1% है, और खर्चा अगर नॉन के आ रहा है चाहे वो परसेंटेज में 1000% भी है, सर ये 1000% दर्द नहीं देगा, दर्द ये 1% देगा। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट दिस पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर, सर सबको सफर करना पड़ेगा अगर यहां कुछ गलती हुई तो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सिग्निफिकेंट डेविएशन है इनका करेक्शन अभी जरूरी है, इमीडिएटली जरूरी है, और इसका करेक्शन किसको करना चाहिए, टॉप लेवल को करना चाहिए, अभी करना चाहिए। इस खर्चे को क्यों नहीं करना चाहिए टॉप लेवल को कंट्रोल? बेटा टॉप लेवल को कंट्रोल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना बेटा समझ लो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अब मैं कहता हूं बेटा 1 करोड़ की स्टेज चली थी, 18% बढ़ गई 18 लाख, आप कह रहे हो मुकेश अंबानी जी को जी कंट्रोल कर दो। सर आपको पता है पर सेकंड उनकी सैलरी कितनी है रिलायंस में? जो वो 1 सेकंड देते हैं 4000 रुपए लेते हैं उस 1 सेकंड का, गलती से उन्होंने 1-2 दिन लगा दिए सोचने में तो ऐसे ही रिलायंस में जान निकल जाएगी। पता लगे 18 लाख के 8 लाख तो उन्होंने कर दिए, 10 लाख कंट्रोल करने के तरीके भी बता दिए, लेकिन उनकी खुद की कॉस्ट आ गई 1 करोड़ रुपए ऑर्गेनाइजेशन को, समझ में आ रही है बेटा बात? तो बाबू कभी भी टॉप लेवल को कंट्रोल नहीं करना है, ना टॉप लेवल से कंट्रोल कराने हैं नॉन के आर एस, इसके लिए तो मिडल लेवल और लोअर लेवल से बात करो, वो ही कंट्रोल करे तो ही कॉस्ट एफिशिएंट बनेगा, वरना कॉस्ट एफिशिएंट नहीं बनेगा। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से। और बेटा और क्यों कंट्रोल करा रहा हूं मैं इनसे मिडल लेवल और लोअर लेवल से, ये चर्चा मेरी अभी जारी रहेगी, 10-15 मिनट के बाद मैं इस मुद्दे पर दोबारा आऊंगा, ठीक है? सिर्फ 10 मिनट के बाद। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? बात समझ में आ रही है? क्या रेस समझ में आए, नॉन क्या रेस समझ में आए? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू नेक्स्ट टेक्निक जो है एनालाइजिंग डेविएशन की, उसका नाम है MBE, दैट मींस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बेटा ये टेक्निक क्या कहती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? ये कहती है बात तो सिर्फ KRA की ही करनी है, सिर्फ KRAs की बात करो, नॉन KRAs की तो बात ही मत करो। पहली बात तो यही कहानी खत्म हो गई, डिफरेंस यहीं पे बहुत बड़ा शुरू हो गया। दूसरी बात ये कहती है हर KRA में ना अपनी एक एक्सेप्टेबल लिमिट तय कर लो, जिसको NCERT लिखती है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, सच में इसका नाम है एक्सेप्टेबल लिमिट। बेटा देखो मान लो ये लेबर कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, KRA की बात करते हैं, लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। बेटा ऑर्गेनाइजेशन ने ना अपनी एक एक्सेप्टेबल लिमिट रख दी कि अगर खर्चा 3% तक बढ़ाना तो हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। देखो आप ये तो कहना ही ना कि खर्चा बिल्कुल ना बढ़े, सर ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि देखो महंगाई भी कुछ ना कुछ चीज है और हर साल लोग उम्मीद करते हैं कि आप उनका इंक्रीमेंट कुछ ना कुछ करोगे। आपके पास लेबर है 20-50 हजार, बाबू वो उम्मीद तो करेगी ना कि मेरी कुछ तो सैलरी बढ़ेगी ना, या आप उनसे उम्मीद करते हो 1 साल बाद भी आप कुछ नहीं दोगे इंक्रीमेंट, 0 इंक्रीमेंट 0 प्रमोशन, सर ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने एक अपनी एक्सेप्टेबल लिमिट रख ली बेटा हर KRA में अपने बर्दाश्त करने की ताकत, आपने अपने बर्दाश्त करने की ताकत रखी कि लेबर कॉस्ट अगर 3% भी बढ़ गई ना तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ाछाड़ी करूंगा, ये मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट है, मेरे बर्दाश्त करने की ताकत 3% तो है, ठीक है जी। लेकिन अगर खर्चा 3% से ज्यादा बढ़ गया तो आपने कहा मेरे को इमीडिएटली उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी करूंगा कंट्रोल। यानी कि अगर डेविएशन विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट आ जाए, विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, तो मैंने बोला हम कंट्रोल नहीं करेंगे, और जब भी मैं बोलूंगा हम कंट्रोल नहीं करेंगे दैट मींस कोशिश किससे करेंगे कंट्रोल कराने की, मिडल लेवल और लोअर लेवल को कहेंगे देखो कहां बढ़ रहा है, कोशिश करो कुछ बचा सकते हो क्या। टॉप लेवल को खुद पता होता है कुछ नहीं बचना, पर जान के उनका दिमाग चलवा रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर आज आप उनका दिमाग चलवाओगे ना, आज वो रूटीन प्रॉब्लम झेलेंगे तभी बेटा उनका दिमाग इतना डेवलप करेगा कि कल को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम झेल पाएगा। याद है ऐसी बात मैंने कुछ डेलीगेशन में भी बोली थी, मैं वही बातें करूंगा अभी सारी जो डेलीगेशन में की थी ऑर्गेनाइजिंग में, समझ में आ रही बात? और बेटा अगर खर्चा बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट निकल गया तो सर अभी कंट्रोल कराने की कोशिश करेंगे,
और किससे कराने की कोशिश करेंगे? टॉप लेवल, टॉप लेवल को इंटरवेंशन करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है जी। इसकी एक बड़ी फेमस टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है? एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप चाहोगे ना, नहीं नहीं एक एक पैसा कंट्रोल कर लो जी, एक रुपया ना बढ़ने दो कुछ भी, पिछले साल 300 करोड़ की लेबर कॉस्ट थी, इस बार भी 300 करोड़ रहे जी, एक पैसा ना बढ़े। सर अगर सब चीजों को कंट्रोल करने जाओगे ना, एक को भी नहीं कर पाओगे, सब में जीरो हो जाओगे। तो कंट्रोल सिर्फ उस पे करो जो इंपॉर्टेंट है, कुछ तो बढ़ेगा ही ना खर्चा। तो बेटा जो खर्चे आपके एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड चले जाए और वो केआर है, सिर्फ उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट है, इसके लिए कुछ नहीं करना, छोड़ दो इसको, इसको मिडिल लेवल और लोअर लेवल के हवाले छोड़ दो। समझ में आई बेटा बात? पक्का से इन दोनों में फर्क है कि नहीं है? सीपीसी क्या कहता है? सर हर चीज को डिवाइड कर दो पार्ट में, केआरए और नॉन केआरए। सिर्फ केआरए पे फोकस करो, नॉन केआरए भूल जाओ। भूल जाओगा मतलब समझ आया ना, मिडिल लेवल लोअर लेवल देखेगा। और सर ये क्या कहता है? कहता है बात ही सिर्फ केआरए की करो और हर केआरए में एक एक्सेप्टेबल लिमिट तय कर लो। अगर वो खर्चा, अगर वो चीज बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट है, तो ही हम कोशिश करेंगे बेटा टॉप लेवल कंट्रोल कराने की, वरना छोड़ दो उसको, हमें कुछ नहीं करना कंट्रोल, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था पिछली बार आपको क्लैरिटी के लिए, अगर आपको कुछ ध्यान हो तो। वो मुंबई अटैक हुए थे अगर आपको याद हो तो, ओबेरॉय होटल और ताज होटल पर हुआ था ना अटैक, एक टेररिस्ट पकड़ा गया था नॉन एस कसाब, पता है क्या आपको ये बात? तो बाबू कसाब के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी महाराष्ट्र पुलिस ने, मतलब मुंबई पुलिस ने, ठीक है ना। समझते होंगे सर चार्जशीट का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। उसके क्राइम के लिखे हुए सारे पन्ने, ठीक है, और वो चार्जशीट कुछ हजार पेज की थी, कुछ हजार पेज की चार्जशीट फाइल करी। जज को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने उठाई चार्जशीट और फेंक के मारी कोर्ट रूम में, कि मतलब आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं इस इंसान के बारे में हजार पेज पढ़ू, मुझे आप दो पेज में सीपीसी और एमबीए टेक्निक का यूज करके ये बताओ इसने क्राइम क्या किया है। तुम बता रहे हो इसका जन्म यहां हुआ, वहां हुआ, इसने पढ़ाई यहां से करी, वहां से करी। जज कह रहा मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, सिर्फ दो पेज में बताओ मेरे को इसने क्या क्राइम किया। यूज दीज टेक्निक्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बताओ ना, इनसिग्निफिकेंट बात का उसने करना क्या है? समझ में आती है बेटा बात? कुछ क्लियर हुआ? अब बेटा पेपर में ना ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ये ना आए फिर भी एक चीज की उम्मीद रहती है मुझे, एडवांटेजेस। बेटा सीपीसी और एमबीई की ना कुछ एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस आपने बतानी है। मेरी तरफ देखो, एक तो मैंने बोल दी अगर आपने ध्यान दिया हो बाबू, इन दोनों टेक्निक की वजह से ना लोअर लेवल और मिडल लेवल को डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, ठीक है ना जी। और उनको डिसीजन मेकिंग पावर मिलने का मतलब समझते हो ना बेटा बाबू, उन्हें लगता है यार मैं टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर कर रहा हूं, कायदे से डिसीजन मेकिंग इज द अथॉरिटी ऑफ टॉप लेवल, मुझसे डिसीजन मेकिंग कराई जा रही है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा जा रहा है। सर एम्प्लॉय का मोरल बहुत बूस्टअप होता है, मैं सब वही बातें बोल रहा हूँ जो मैंने डेलीगेशन में बोली थी। अगर आप एम्प्लॉय का मोरल बहुत बूस्टअप होता है, एक बाकी आपने बतानी है बेटा। टॉप लेवल के लिए बहुत टाइम सेविंग है, अगर टॉप लेवल इन सबको खुद ही कंट्रोल करता रहे बैठकर, सर ना तो टाइम सेव होगा ना ही कॉस्ट सेव होगी, बहुत खर्च जाओगे और बचा कुछ नहीं पाओगे। उसको करोड़ देकर 18 लाख रुपए तुमने बचवा भी लिए तो कर क्या लिया? तो बेटा टाइम सेविंग कॉस्ट सेविंग है। तीसरी बात बेटा, ये टेक्निक इंपॉर्टेंट चीजों को और बेटा नॉन इंपॉर्टेंट चीजें जो इनसिग्निफिकेंट चीजें हैं उसमें ना डिफरेंस कराती है टेक्निक। देख लो ये इंपॉर्टेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है। तो बेटा इससे मुझे पता लग जाता है किस चीज को मुझे कितना जल्दी करेक्ट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट पाथ पर रहे, ताकि मैं टाइमली एक्शन ले पाऊं। समझ में आती है बेटा बात? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अब एक काम करो, नोट्स उठाओ, थर्ड और फोर्थ पूरा स्टेप पढ़ दो जल्दी से बेटा। लास्ट स्टेप पढ़ रहे हैं,
बेटा स्टेप का नाम है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इधर देखो जी प्लीज, सामने देखो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बाबू अब डेविएशन आए, ठीक है जी, मैंने एनालाइज भी करने की कोशिश करी क्या सिग्निफिकेंट है क्या इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। अब बेटा डेविएशन के कारण ढूंढो, कमियां तो आ गई, 17 चीजें थी, 17 में से 15 में कमी आ गई, या 17 टारगेट थे उसमें से 10 में कमी आ गई। सर कमियों के कारण भी तो होंगे, कोई ना कोई कारण तो होगा। बेटा जो भी कारण है आज ही करेक्शन होनी है, अभी होनी है। कल भी बात कर रहा था मैं इस चीज की, जब याद हो बेटा मैं पोस्ट डीसी के बारे में बता रहा था। सर ये आज ही करेक्शन क्यों करनी है? क्योंकि बेटा अगर आप अभी करेक्शन नहीं करोगे तो क्या होगा बेटा, वो फ्यूचर में दोबारा रिपीट होगी। मेरा टारगेट है 12 लाख यूनिट बनाने का, एक ही फील्ड का टारगेट का डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी। 12 लाख यूनिट बनाने का टारगेट है, 11.5 बनी और बिकी, 50,000 यूनिट कम बनी और बिकी। मैंने कारण ढूंढा, भैया क्या कारण है, क्या दिक्कत क्या रह गई? पता लगा जी दिक्कत ये है, जहां से रॉ मटेरियल आता है ना, उसने रॉ मटेरियल खराब भिजवा दिया 50,000 यूनिट। मैंने पूरा 12 लाख यूनिट खरीदा था, क्योंकि रॉ मटेरियल ही 50,000 यूनिट खराब था, तो 50,000 यूनिट फिनिश गुड्स नहीं बन पाया, जब नहीं बन पाया तो बिक भी नहीं पाया। ये कमी है। अगर बेटा मुझे कमी पता लग गई और मैं आज इसे इग्नोर कर दूं तो क्या होगा? अगले साल सप्लायर फिर खराब भेज देगा, फिर अगले साल टारगेट अचीव नहीं होंगे। आप ना बोलो, ये कमियां बार 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 रिपीट होती जाएंगी, मानते हो इस बात को? तो फिर बेटा किसी भी साल टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। तो बेटा जब भी आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, सर कॉजेज ऑफ डेविएशन ढूंढने पड़ेंगे, उसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बेटा बात? अब बेटा एनसीईआरटी ना कुछ पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन लिखती है और उनके करेक्टिव एक्शन भी बताती है, और एक आध बार बोर्ड में ऐसा हुआ है ये 5 नंबर में टॉपिक आ गया। भैया अगर ये आ जाए ना 5 नंबर में, मैं तो कह रहा हूं मत्था टेकने जाना पड़ेगा, स्पेशल उठ के, स्पेशल उठ के कह देना पेपर ऊपर तो बाद में, ये 5 नंबर में आ गया। बेटा एनसीईआरटी बताती है ये 5 पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन हो सकते हैं, ठीक है जी। पहला डिफेक्टिव मटेरियल, प्लीज सामने देखो, मान लो आपके सामने कॉज ऑफ डेविएशन निकल कर रहा है डिफेक्टिव मटेरियल, क्या होना चाहिए करेक्टिव एक्शन? वो अगर डिफेक्टिव मटेरियल है, रॉ मटेरियल ही खराब आ रहा है, या तो बेटा सप्लायर को स्पेसिफिकेशन दे दो कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर वो मना कर दे कि इस स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल मैं नहीं दे सकता, तो बेटा चेंज योर सप्लायर, ठीक होना चाहिए ना करेक्टिव एक्शन। मान लो बेटा 50,000 यूनिट कम बनी और बेटा डेविएशन का कॉज है डिफेक्टिव मटेरियल नहीं, इस बार है डिफेक्टिव मशीनरी, मशीन खराब है जिसकी वजह से बेटा टारगेट अचीव नहीं हो पाता, तो या तो रिपेयर द मशीनरी, और इफ रिपेयर इज नॉट पॉसिबल देन रिप्लेस द मशीनरी, ठीक है जी। और बेटा मान लो कारण ये आया ऑब्सोलीट मशीनरी, सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म डिफेक्टिव मशीनरी एंड ऑब्सोलीट मशीनरी, समझते हो? डिफेक्टिव मतलब खराब है भैया, रिपेयर मांगती रहती है, बार बार ब्रेकडाउन होती है, ये डिफेक्टिव है। सर ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? भैया काम ठीक ठाक करती है, टेक्नोलॉजी वाइज खराब है। आज की टेक्नोलॉजी की मशीन 1 मिनट में 10 मान लो यूनिट बनाती है, और मेरी मशीन 1 मिनट में 1 ही यूनिट बनाती है, ऐसे है दिक्कत, ठीक है। तो अगर ऑब्सोलीट मशीन है तो उसका करेक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए? बेटा अपग्रेड कर दो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन बाय कर लो, ठीक है जी, पक्का से। और मैं कहूं बेटा पुअर वर्किंग कंडीशन, ये है दिक्कत, पुअर वर्किंग कंडीशन के एम्प्लॉय की वर्क, जो हमने वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रखी है वो बहुत खराब है, एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर पाता, उसका ध्यान ही भटकता रहता है, वो परेशानी रहता है, या तो बहुत हीट है, देखते हैं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में भैया पंखे भी नहीं चलते, या एम्प्लॉय के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, एम्प्लॉय गर्मी में ही मरे जा रहा है, तो उसका ध्यान ही नहीं लगता उस चीज में। सर अगर ऐसे हालात है, वर्किंग कंडीशन खराब है, देन बेटा इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्क, ठीक है जी। या बेटा डिफेक्टिव प्रोसेस, ये दिक्कत है, डिफेक्टिव प्रोसेस है, जिन जिन प्रोडक्ट जिन जिन प्रोसेस से होके जाता है, एक प्रोसेस बहुत कबाड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को आता नहीं परफॉर्म करना, देन बेटा मॉडिफाई करो उस प्रोसेस को, चेंज करने की कोशिश करो, या आउटसोर्स करो, किसी और से परफॉर्म कराओ,
क्लियर है बेटा बात पक्का से? ये कुछ पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन एनसीईआरटी में लिखे हैं मैंने, सबके करेक्टिव एक्शन आपको बताते, ठीक है जी? रीड कर दो, प्रोसेस खत्म हो गया, लिमिटेशन शुरू करेंगे अभी। अरे करते हैं, तुम पढ़ो इसको अभी, पहले इसको पढ़ो। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।